नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लवाड़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। लवाड़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की सूचना पर अवैध बजरी खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। लवाड़ पुलिस थाने के ASI विनय कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें इतना मिले कि क्षेत्र से बजरी के ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। इस पर उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर को मौके पर भेजकर मामले की जांच करवाई। खानापुरा देवरी रोड पर अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को रुकवाकर चालक से परिवहन संबंधी लाइसेंस के बारे में पूछा तो चालक के पास परिवहन समझ लाइसेंस होना नहीं पाया गया। इस पर चालक सहित अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने पर लाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बजरी ले जा रहे हैं, इतला पर डीओ को भिजवाया जाकर चेक करवाया गया तो दोनों ने चेकिंग एक बजरी का भरा हुआ ट्रक जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोक कर उसके लाइसेंस संबंधी या परिवहन संबंधी लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो वह अपने पास कोई लाइसेंस होना नहीं पाया गया। इस पर ट्रैक्टर चालक को मैं ट्रैक्टर के मैं थाने पर लाकर और उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान अभी जारी है। अवैध खनन का मामला पाया गया है, अवैध खनन बजरी का मामला पाया गया है, इसका आगे कार्रवाई अभी जारी है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें VMR भारत टीवी।